ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी स्कूलों में बंपर भर्तियां होने जा रही है, जिसमें जेबीटी के 1265 पद सरकार भरने जा रही है। और साथ में एक अच्छी खबर आई है, पीटीआर ड्राइंग टीचर की भी कुछ ही दिनों में रिक्रूटमेंट नोटिस आपको देखने में मिल सकता है। और उससे भी बड़ी और अच्छी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार का जो मैनुफेस्टो था, जब वर्ष 2017 में सरकार अस्तित्व में आई थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपने मैनुफेस्टो अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि यदि हम सत्ता में आए तो हम अनुबंध काल को 2 वर्ष कर देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के सौजन्य से खबर आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, और उसमें कहा गया है कि जो अनुबंध काल है सरकार उसे 2 वर्ष का करने जा रही है। 27 तारीख को सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। हो सकता है उस समय आपको एक अच्छी खबर मिल जाए, लेकिन काफी बड़ी खबर है। पूरा एक डिस्कशन करेंगे, एक समीक्षा करेंगे इन सारी खबरों के ऊपर। आगे आपको किस तरह की रूपरेखा बनानी है इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। जेबीटी के लिए एक अच्छी खबर है, 10 माह इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार देखिए जेबीटी की भर्ती को हरी झंडी प्रदेश सरकार के द्वारा दे दी गई है और 1225 पदों पर रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें 758 पद बैच वाइज भरे जाएंगे, 467 पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधे कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे। और याद रखिएगा, इसमें जो ये सारी की सारी देखिए 1225 पद भरने के आदेश जारी किए गए, फरवरी 2020 में इन पदों को भरने का फैसला लिया गया था। 758 पद बैच वाइज और 467 पद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। मतलब बैच वाइज भी जो भर्ती होगी उसको अप्रूवल सरकार की तरफ से दे दी गई है। बीते कई दिनों से हजारों अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के इंतजार में थे, और जो शिक्षा मंत्री है हमारे श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने हस्तक्षेप के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने हस्तक्षेप के बाद लिखित आदेश जारी किया। शिक्षा मंत्री ने भी यहाँ पे अप्रूवल दे दी गई है। जेबीटी के 1225 पद भरने के लिए सरकार ने बीते दिनों कानूनी राय भी ली है। एनसीटीई ने वीएड को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना है। प्रदेश के आरएनपी नियमों के तहत जेबीटी करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाता है। ऐसे में इस भर्ती को लेकर दुविधा में फंसी सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद डीएलएड को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार ने जिन्होंने डीएलएड की है उनको भी यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। सभी जिला उपनिदेशकों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए, आप लोग यदि बैच वाइज आपका नंबर आ रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप हमारी टीम के द्वारा जो कुछ किताबें तैयार की गई है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, इस तरह की परीक्षाओं में तो 70% प्रश्न उसी किताब से पूछे जाते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो भी देख सकते हो, और उसके अलावा आप हमारी टीम के जो करंट अफेयर्स की किताबें हैं उनका भी नियमित रूप से अध्ययन कीजिएगा, डेफिनेटली आपको यहां पर सफलता मिलेगी। और हमारी टीम इसके लिए एक आपके लिए एक सेपरेट बुक भी जारी करेगी, जिसमें आपको जेबीटी शिक्षक भर्ती के ऊपर जो सिलेबस अध्ययन सामग्री है वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद देखिए आगे, फिर यहाँ पे आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में आपको एक खबर मिलेगी, काफ़ी अच्छे से खबर प्रकाशित हुई है, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो पीटीआई और ड्राइंग टीचर की रिक्रूटमेंट है काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, बहुत बार इसके प्रपोजल सरकार को दिए गए, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इस न्यूज़ को पढ़ के हमें एक विजन यहाँ से मिल रहा है कि राजकीय सीएनबी अध्यापक संघ की बैठक प्रदेशाध्यक्ष चमनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशक शुभकर सिंह के साथ निदेशालय में हुई, जिसमें 9 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएनबी शिक्षक संघ के जो ये अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिखा है कि जहाँ पे माध्यमिक स्कूलों में अगर बच्चों की संख्या 100 से कम है तो उन स्कूलों में कला और शारीरिक शिक्षकों के पद नहीं भरे जाएंगे। उसमें ऐसा जिक्र किया गया कि अगर प्राथमिक स्कूलों में 100 या इससे अधिक बच्चे तो वहां पर प्राथमिकता से इन पदों को भरा जाए। देखिए ये भी बड़ी बात है, जहां पे 100+ स्ट्रेंथ है वहां पे भी यदि सरकार पीटीआई और ड्राइंग टीचर की पोस्टें भर देती है तो आने वाले समय में देखिए यहां से भी रोजगार के अवसर दिख रहे हैं। और सरकार भरेगी जरूर, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कुछ समय पहले आप विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से देखते थे, सरकार को आदेश दिए गए थे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी कि आप शिक्षकों की यथासंभव भर्ती कीजिए, लेकिन बीच में कोविड-19 पैंडेमिक आ गया जिसके कारण थोड़ी सी देरी जरूर हुई है, लेकिन ये रिक्रूटमेंट हो
होगी ही होगी। और अब सबसे अच्छी खबर है, देखिए जब आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो पहले हम बात करें तो 8 से 10 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, फिर 5 वर्ष में पहुंचा और वर्तमान में 3 वर्ष है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में इसे 2 वर्ष करने की बात कही है और मुख्यमंत्री ने संकेत दिए है कि हम आने वाले समय में इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 2 वर्ष का कर देंगे। देखिए जब आप सरकारी नौकरी पर लग जाते तो आपकी कैसी इच्छा होती है कि नहीं अब आपको अच्छी लग्जरी सैलरी मिलेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में तनख्वाह नाममात्र की ही दी जाती है, कुछ बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती है वहाँ पे जिनके आपको उनके माध्यम से आगे गुजरना होता है। लेकिन अब देखिए 2 वर्ष का हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो अच्छी खबर है, 2 वर्ष का आपका पता भी नहीं चलेगा और आप देखिए उसके बाद रेगुलर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको नियमित रूप से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हमारी टीम आपके साथ है। देखिए हमारी टीम आप लोगों के लिए ऐसे करंट अफेयर लेकर आती है जिसमें दिनांक डाली होती है और उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको जो हिमाचल प्रदेश सरकार का गिरिराज समाचार पत्र है उसका सारांश मिलेगा। देखिए ऐसे करंट अफेयर्स कोई भी नहीं बनाता है, यदि हम बात करें काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद हमारी टीम इनको बार बार अध्ययन करने के बाद इन्हें त्रुटि बनाने का पूर्ण प्रयास करती है। तो आप इन करंट अफेयर के साथ में विभिन्न तरह की परीक्षाओं की तैयारी कीजिएगा। पिछले कुछ समय में जितनी परीक्षाएँ हुई है बहुत से करंट अफेयर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म से पूछे गए हैं और हिमाचल प्रदेश से एक समग्र अध्ययन किताब हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन किताब है। आप इस किताब के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। क्लर्क परीक्षा के लिए हमारी 10,000+ क्वेश्चन बैंक की किताब रेडी है, ये भी हिमाचल प्रदेश की एक सबसे अनोखी किताब है क्योंकि इस किताब में आपको पिछले 11 वर्षों के प्रश्न पत्र विवरण सहित हल किए गए और सिलेबस कवरेज भी इसमें दिया गया है, आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो। और एलाइट स्टडी टीम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो बहुत बड़ी परीक्षा हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है जिसमें 1756 पदों के लिए रिक्रूटमेंट होगी, उसके लिए भी हमारी टीम ने किताब तैयार की गई। इस किताब में आपको 60 चैप्टर्स मिलते हैं, 656 पेजेस की किताब है। एक किताब ही आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। विभिन्न तरह की किताबों को परचेज करने के लिए आप सीधे विजिट कीजिए elastudyco.in वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elastudy यूट्यूब चैनल।